आइए बच्चों, अब हम आपको ट्वेल्थ क्लास का पांचवा चैप्टर इंडिगो पढ़ाते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैंने पहले विजिट किया गांधी को इन 1942 में एट हिज आश्रम, उसके आश्रम में, इन सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, केंद्रीय भारत कह सकते हैं, ही सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कि यह कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज, कि मैंने प्रेरित किया, द डिपार्चर को ऑफ द ब्रिटिश के, इट वॉज इन 1970, यह 1970 की बात है, 1917 की। ही हैड गोन टू द डिसम्बर 1916 एनुअल कन्वेंशन, वह 1916 की एनुअल वार्षिक सभा में गया हुआ था। बच्चों, कन्वेंशन मीन्स सभा होता है, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, इन लखनऊ में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पे 2301 प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी को याद आया, ए पेजेंट, एक मजदूर के बारे में, केम अप टू मी, और उन्होंने बताया कि वह मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स, जैसे और दूसरे पेजेंट्स दिखते हैं इन इंडिया भारत में, पुअर, गरीब था, एंड इमासिएटेड, और थोड़ा दुर्बल था, एंड सैड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, वह जो पेजेंट था उसका नाम राजकुमार शुक्ला था, आई एम फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से था, हम आई का ही बना देंगे, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ आप मेरे ज़िले में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड, गांधी ने कभी नहीं सुना था, ऑफ द प्लेस, उस स्थान के बारे में, इट वॉज इन द फुटहिल्स, वह पहाड़ियों में था, ऑफ द टावरिंग, ऊँचे हिमालयाज के, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज्य के पास, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन, एंशियंट मीन्स प्राचीन, अरेंजमेंट, समझौता, उसके अंडर में, अंतर्गत, चंपारण के जो पेजेंट्स थे वर शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब हिस्सेदारी पे वे काम करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और उनमें राजकुमार शुक्ला भी एक था। ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस के बारे में, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, शायद किसी ने कहा, स्पीक टू गांधी, राजकुमार शुक्ला से किसी ने ये कह दिया कि गांधी से बात कर लो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उसका एक अपॉइंटमेंट था इन कानपुर में, एंड वाज आल्सो कमिटेड, और वह समर्पित था, टू गो टू अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में जाने के लिए, ऑफ इंडिया, भारत के। शुक्ला अकंपनीड हिम, शुक्ला उसके साथ गया, एवरीवेयर, हर जगह। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, तब गांधी अपने आश्रम में लौटा, नियर अहमदाबाद के पास। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला उसके पीछे पीछे गया, टू द आश्रम में, फोर वीक्स, कई सप्ताह तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उसने गांधी की साइड नहीं छोड़ी, हरदम गांधी के साथ रहा, और गांधी जी से बोला, फिक्स ए डेट, एक डेट फिक्स कर लो। ही बैग्ड, उसने प्रार्थना की। इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर, बाय द शेयर क्रॉपर के टेनासिटी से, उसके दृढ़ संकल्प से, एंड स्टोरी से, गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता जाना है, उन सच एंड सच है डेट, फलानी तारीख को, कम आना, एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ड, महीने बीतते गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन चीज, वह अपने ऑन चीज पे, यानी उकड़ू कुल्लों पे बैठा हुआ था, एट द अपॉइंटेड स्पॉट, नियुक्त स्थान पर, इन कलकत्ता में। वैन गांधी अराइव्ड, जब गांधी आया, ही वेटेड, उसने इंतजार किया, टिल गांधी वाज फ्री, जब तक गांधी फ्री हो गया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड, फिर दोनों बोर्डेड
बोर्डेड मीन्स चढ़े ए ट्रेन, एक ट्रेन में फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना सिटी के लिए इन बिहार, बिहार में। देयर शुक्ला लेड हिम, वहाँ शुक्ला उसे ले गया टू द हाउस, एक घर में, ऑफ ए लॉयर, एक लॉयर के, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस का प्रेजिडेंट बना, पार्टी का एंड ऑफ इंडिया और भारत का भी बना। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद है जो टाउन से बाहर था। बट द सर्वेंट्स, जो नौकर थे, न्यू शुक्ला, वे शुक्ला को जानते थे एज ए पुअर ह्यूमन, एक पुअर मजदूर के रूप में। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो दवाई मारता था उनके मास्टर के वहाँ, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स में। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने उसे उस ग्राउंड पे रहने दिया विद हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ जो कि गांधी थे। हुम दे टुक टू बी अनदर पेजेंट्स, उन्होंने गांधी को दूसरा पेजेंट समझा, किसान समझा, मजदूर समझा। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को आज्ञा नहीं दी गई टू ड्रा वाटर, पानी खींचने की। फ्रॉम द वेल, कुएं से, लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, क्योंकि उसकी बकेट की कुछ ड्रॉप्स है पोल्यूट कर सकती थी द एंटायर सोर्स, पूरे स्रोत को पानी के। हाउ डिड दे नो, उन्होंने कैसे जाना दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, वह एक अनटचेबल नहीं था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले गांधी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया। विच वाज एन रूट, जो रास्ते में पड़ता था, एन रूट मीन्स मार्ग में पड़ना, टू चंपारण, चंपारण के लिए। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, अबाउट कंडीशंस, हालातों के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल, जो शुक्ला है जो समर्थ हुआ था, कैपेबल हुआ था ऑफ इम्पार्टिंग, देने के लिए। ही उसने अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी, प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, जो कि आर्ट कॉलेज का था इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में। हुम ही हैड सीन, जिससे वह मिल चुका था एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, मिडनाइट को ट्रेन आई 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर इंतजार कर रहा था विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। गांधी स्टेड देयर, गांधी वहाँ रुका फॉर टू डेज, दो दिन तक, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर में। ए टीचर, वह एक टीचर था इन ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अद्भुत थिंग, चीज थी इन दोज डेज, उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी ने कहा, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर, शरण देने के लिए, शेल्टर देने के लिए ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को, इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे जो लोकेलिटीज थे। द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय थे जो डरे हुए थे, टू शो, दिखाने के लिए सिंपैथी, सहानुभूति फॉर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स के लिए ऑफ होम रूल, जो होम रूल के थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी के एडवेंट का, एडवेंट मीन्स आगमन का समाचार था। एंड ऑफ द नेचर, और जो उसकी प्रकृति थी, ऑफ हिज मिशन, उसके मिशन की, स्प्रेड, फैल गई क्विकली तेजी से थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई। एंड टू चंपारण, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग, और वहाँ से शेयर क्रॉपर्स आने लगे ऑन फुट, पैदल, एंड बाई कन्वेंस, और कुछ अपनी गाड़ियों से। टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी को बुलाया टू ब्रीफ हिम, कि वे उनको ब्रीफ करें। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, वे बार बार प्रतिनिधित्व करते थे पेजेंट्स ग्रुप का इन कोर्ट, कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन्होंने उनको केसेज के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड, और रिपोर्ट दी द साइज ऑफ देयर फीस। गांधी जी चाइडेड, अब क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने उनको क्यों डांटा, क्योंकि वे ज़्यादा फीस लेते थे, उनका साइज भी ज़्यादा था। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि वे ज़्यादा फीस लेते थे। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें लॉ कोर्ट्स जाना बंद करना चाहिए। टेकिंग सच ए केसेज, ऐसे केसेज को ले जाना टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स में, डज लिटिल गुड, इससे कम अच्छा होता है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रस्ड, जबकि पेजेंट्स है जो बड़े दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और भयग्रस्त है। फियर स्ट्रिकन मीन्स भयग्रस्त। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इसलिए लॉ कोर्ट्स यूजलेस है। द रियल रिलीफ, असली जो आराम है, फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इनको फ्री किया जाए फियर से। मोस्ट ऑफ द एरेबल, सबसे ज़्यादा जोतनी है
जिसे जोता जा सके, बोया जा सके। लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज वेबर्टी विथ लार्ज एस्टेट्स, में बड़ी बड़ी भू संपत्तियों में ओन्ड बाई इंग्लिश मैन, जो इनके मालिक इंग्लिश मैन थे, एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स, और भारतीय टीनेंट्स जो काश्तकार थे, काश्तकार इज अ काइंड ऑफ मजदूर, काम करते थे उस पर। द चीफ कॉमर्शियल मुख्य फसल थी जो क्रॉप वाज इंडिगो, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, लैंडलॉर्ड ने विवश किया ऑल टीनेंट्स, सभी टीनेंट्स को, टू प्लांट 320th, या तो 320th या और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, इंडिगो बोएंगे वे एंड सरेंडर, और उसको सौंप देंगे द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, रेंट पे ध्यान देने की बात है, 15% से लेके रेंट तक इम्पोर्टेंट मैटर है। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये किया गया एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट समझौते के तहत। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स ने जाना दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उन्होंने कृत्रिम, सिंथेटिक माने कृत्रिम इंडिगो उत्पन्न कर लिया है। दे देर अपॉन ऑब्टेंड, उन्होंने प्राप्त कर लिए एग्रीमेंट समझौते फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स से, शेयर क्रॉपर्स है और क्या है, मैंने कहा था ना बोलना है, मिटा हुआ इसमें, शेयर क्रॉपर्स है भाई बच्चों, ये बच्चों की गलती की वजह से बार बार बोलना पड़ गया, सॉरी फॉर दिस वन। टू पे दैम कंपेंसेशन, कि वे उनको हर्जाना देंगे, कंपेंसेशन मीन्स हर्जाना, फ्रॉम बींग रिलीज, और ताकि उनको रिलीज किया जा सके, छोड़ा जा सके, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, उस 15% अरेंजमेंट से। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कसम, ये बड़ा कष्टकारक था, अर्कसम मीन्स कष्टकारक, टू द पेजेंट्स, पेजेंट्स के लिए, एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारों ने विलिंगली इच्छापूर्वक साइन कर दिए। दो जू रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर किया, विरोध किया, एंगेज बिजी हो गए लॉयर्स के मामले में। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, लैंडलॉर्ड ने ठग ले लिए किराए पे, हायर माने किराए पे। मीनवाइल तब तक द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक, हो जब तक जो इन्फॉर्मेशन थी अबाउट सिंथेटिक, जो कृत्रिम सिंथेटिक है इंडिगो, रीच्ड द इलिटरेट पेजेंट्स, इलिटरेट पेजेंट्स के पास पहुंच गई, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, वे अपने पैसे वापस चाहते थे। कई बार बच्चों जो टंग होती है फंबल हो जाती है, इसलिए गलत वर्ड लिख जाता है, इसलिए दिस यू शुड नॉट फील बैड अबाउट दैट बिकॉज आई क्लियर दैट टाइम एंड अगेन। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, अब गांधी जी चंपारण में आ गए। ही बिगेन, उसने शुरू किया बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तथ्य प्राप्त करने के लिए पहले, फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी, वह सेक्रेटरी के पास गया, सचिव के पास, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का था। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उसे बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे एक आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड, गांधी ने उत्तर दिया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, वह आउटसाइडर नहीं था। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, उसने कमिश्नर को कॉल किया, ऑफ द तिरहुट डिवीजन, जो तिरहुट डिवीजन का था, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण जिला पड़ता है। द कमिश्नर, जो कमिश्नर है, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी रिपोर्ट देते, प्रोसीडेड टू बुली, उसने कमिश्नर ने उसको बुली किया, धोस दी मी एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट, के तिरहुट से चला जा। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गया, इंस्टीड इसके स्थान पर ही प्रोसीडेड, वह आगे बढ़ा टू मोतिहारी, मोतिहारी की तरफ, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी है। सेवरल लायर्स अकंपनीड हिम, बहुत सारे वकील उसके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे ए वास्ट, एक विशाल मल्टीट्यूड, बहुत सारी भीड़ ग्रीटेड हिम, उसने उसका अभिवादन किया। ही वेंट टू ए हाउस, वह एक घर गया, एंड यूजिंग इट, इसका यूज करते हुए, एज हेडक्वार्टर्स, एक हेडक्वार्टर के रूप में, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। ए रिपोर्ट केम, एक रिपोर्ट आई इन दैट ए पेजेंट हैड बीन मालट्रीटेड, कि एक पेजेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मालट्रीट मीन्स दुर्व्यवहार करना, इन ए नियर बाई विलेज, एक पास के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी ने वहां जाने का निर्णय किया, एंड सी देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट, वह चल पड़ा, ऑन द बैक कमर पे ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वह ज़्यादा आगे नहीं गया था। वैन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर, जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था, ओवरटूक हिम, उसने उसको ओवरटूक किया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे हुक्म दिया टू रिटर्न टू टाउन, की वह टाउन में वापस चला जाए।
इन हिज कैरिज, उसकी गाड़ी में गांधी कंप्लाइड, गांधी ने सहमति दी। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर ने गांधी को घर छोड़ दिया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, फिर वहाँ उसने उस पर एक सरकारी नोटिस दिया टू क्विट, छोड़ने के लिए चंपारण, चंपारण को इमिडिएटली तुरंत। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी ने एक रसीद पे साइन किया फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट, और इस पर लिखा दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, वह इस ऑर्डर को डिसोबे करेगा अर्थात नहीं मानेगा। इन कंसिक्वेंस, परिणाम में, गांधी रिसीव्ड ए समन, गांधी को एक समन मिला टू अपीयर इन द, टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में आने का द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑल नाइट, सारी रात गांधी रिमेंड अवेक, गांधी जगा रहा। ही टेलीग्राफ, उसने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार, कि वह बिहार से आए विद इन्फ्लुएंशियल प्रभावकारी फ्रेंड्स के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, और उसने निर्देश भेजे टू द आश्रम, आश्रम में ही वायर्ड, उसने तार कर दिया फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, वहाँ के वायसराय को। मॉर्निंग, सुबह के टाइम, फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट, देखा सुबह सारा का सारा टाउन पेजेंट से भरा हुआ था, किसानों से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे गांधीज रिकॉर्ड, गांधी का रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। दे हैड मियरली, उन्होंने मुश्किल से, मियरली मीन्स मुश्किल से, हार्ड सुना था दैट ए महात्मा, एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता था, वाज इन ट्रबल, समस्या में था, विदाउट टीज अधिकारियों के साथ। देयर स्पॉन्टेनियस, उनका स्वेच्छाचारी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन इन थाउजेंड, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के आसपास, वाज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी स्वतंत्रता की, फ्रॉम फियर, फियर से, ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के। द ऑफिशियल्स, जो अधिकारी थे अंग्रेजों के, फेल्ट पावरलेस, वे असहाय, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के। ही मीन्स गांधी, गांधी हेल्प्ड देम रेगुलेट, उसने संचालित करने में मदद की द क्राउड, भीड़ को। ही वाज पोलाइट, वह बड़ा विनम्र था एंड फ्रेंडली था। ही वाज गिविंग देम, वह उन्हें दे रहा था कॉन्क्रीट, पक्के प्रूफ, सबूत दैट देयर माइट, उनकी जो माइट है, माइट मीन्स ताकत है यहाँ पे, आइदर टू अब तक ड्रेडिड, डराती थी एंड अनक्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था उनसे, कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस, लेकिन अब वह भारतीयों के द्वारा चैलेंज की जा सकती थी। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सरकार है जो चकरा गई, बौखला गई, बैफल मीन्स चकराना, बौखलाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया था जज, जज से, ए काइंड ऑफ वकील होते हैं ये, टू पोस्टपोन, स्थगित करने के लिए द ट्रायल, ट्रायल मीन्स मुकदमा। अपरेंटली स्पष्ट रूप से, द ऑथोरिटीज विश्ड, अधिकारी जो चाहते थे टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अपने सर्वोच्च लोगों से, सुपीरियर्स से कंसल्ट करना। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने विरोध किया अगेंस्ट द डिले, डिले के विरुद्ध। ही रेड ए स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट पढ़ी प्लीडिंग, प्रार्थना करते हुए गिल्टी, दोषी। ही वाज इन्वॉल्व, जिसमें वो शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया इन ए कन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष में, ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य के। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण न स्थापित करे एज ए लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाले का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर, देने के लिए द ह्यूमैनिटेरियन, मानवता को, एंड नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा, फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, वह आया था। ही डिसरिगार्डेड, उसने अवज्ञा की थी द ऑर्डर टू लीव, वहाँ से जाने की, नोट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के लिए नहीं, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी के, बट इन ओबिडेंस, ओबिडेंस में, आज्ञाकारिता में, टू द हायर लॉ, जो उच्च लॉ है ऑफ अवर बींग, हमारा जनकल्याण का। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जो चेतना की आवाज़ है। ही आस्क्ड द पेनल्टी, उसने कहा पेनल्टी कितनी है, ड्यू कितनी दे है, कितनी पेनल्टी दूँ। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, उसने कहा वह सजा सुनाएगा आफ्टर ए टू आवर रिसेस, टू आवर के लंच के बाद। एंड आस्क गांधी, गांधी से कहा टू फर्निश, तैयार करने के लिए बेल, जमानत की तैयार करे, फर्निश बेल मीन जमानत तैयार करना, उसके कागज वगैरह होते हैं साथ में। फॉर दोज 120 मिनट्स, 120 मिनट में, गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया था। जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, फिर जज ने उसे बिना बेल के छोड़ दिया, बिना जमानत के छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब कोर्ट है रिकन्वीन्ड, दोबारा शुरू हुआ। द जज सेड, जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर, वह नहीं देगा द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कई दिन तक। मीनवाइल, तब तक, ही अलाउड गांधी, उसने गांधी को अलाउ किया टू रिमेन एट लिबर्टी, कि वह आज़ादी से रह सकता था।
राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट और धनाढ्य लॉयर हेड राइड वे आ चुके थे फ्रॉम बिहार। बिहार से दे कन्फर्ड उन्होंने आपस में बातचीत की विद गांधी। गांधी से व्हाट वुड दे डू, वे क्या करेंगे इफ लॉयर इफ ही वाज सेंटेंस्ड, यदि उसको जेल में भेज दिया गया टू सेंटेंस टू प्रिजन, जेल में भेज दिया गया। गांधी आस्क, गांधी ने कहा वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर्स ने उत्तर दिया दे हैड कम टू एडवाइज, वे एडवाइज के लिए आए थे एंड हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल गया देयर वुड बी नोबडी, कोई नहीं होगा टू एडवाइज, सलाह देने के लिए। एंड दे वुड गो होम, वे घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय का क्या होगा टू शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स के लिए। गांधी डिमांडेड, गांधी ने मांग की। द लॉयर्स विदड्रू, लॉयर्स पीछे हट गए टू कंसल्ट, सलाह के लिए। राजेंद्र प्रसाद वाज रिकॉर्ड हैज रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया था द अप सपोर्ट, परिणाम ऑफ देयर कंसल्टेशन, उनकी कंसल्टेशन का। दे थॉट, उन्होंने सोचा अमंगस्ट देमसेल्फ, स्वयं के मध्य, दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी एक अजनबी था। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड, फिर भी वह तैयार था टू गो टू प्रिजन, जेल जाने के लिए। फॉर द सेक ऑफ, सेक ऑफ माने के वास्ते, द पेजेंट्स, पेजेंट्स के। इफ दे, यदि वे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, खाली निवासी नहीं थे, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, पास के जिलों के, बट आल्सो दोज वो हु क्लेम्ड, जो दावा करते थे टू हैव सर्वड दीज पेजेंट्स की, उन्होंने सेवा की इन पेजेंट्स की, शुड गो होम, वे घर चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन, ये एक प्रकार का शर्मनाक डिजर्सन होगा, डिजर्सन मीन्स परित्याग। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वे गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि वे भी उसके साथ जेल में जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, इस प्रकार लड़ाई जीती गई क्योंकि सब इकट्ठा हो गए थे। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लिया उसने, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और ग्रुप बना दिए इन टू पेयर्स, जोड़ों में, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें कोर्ट अरेस्ट के बारे में था। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को लिखित में एक समाचार मिला फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट से, एनी इनफॉर्मिंग हिम, उसे सूचित करते हुए, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ द प्रोविंस, प्रांत का, प्रोविंस मीन्स प्रांत, हैड ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसोबिडेंस, सविनय अवज्ञा, हैड ट्रम्प्ड, जीत चुकी थी द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। गांधी हैड एंड द लॉयर नाउ प्रोसीड्ड, उन्होंने जारी रखा टू कंडक्ट ए फार फ्लंग, दूर की इंक्वायरी, जांच इन टू द ग्रीवेंस, दुखों के संबंध में, ऑफ द फार्मर्स, किसानों के। डिपोजिशंस जमा हो गए बाई अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटर्न, लिखित में 10,000 कंप्लेंट आ गई डाउन, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और नोट बनाए गए अदर सबूतों के। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और उनसे कागज इकट्ठा किए गए। द पीपल आर थ्रोब्ड, द होल एरिया, पूरा का पूरा एरिया थ्रोब्ड, हरकत में आ गया विद द एक्टिविटी, गतिविधि से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो जांच करता थे। एंड द वेमेंट, वेमेंट मीन्स उग्र प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स का उग्र प्रोटेस्ट था। इन जून गांधी वाज समंड, गांधी को बुला गया टू सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट के पास, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिफोर इवेंट टू मीट, जब वो उससे मिलने गया, लीडिंग एसोसिएट्स, बड़े बड़े जो एसोसिएट्स थे, एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, बड़ी बड़ी योजनाएं फॉर सिविल डिसोबिडेंस, विनय वगैरह की, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह नहीं आएगा तो। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड, गांधी के चार विस्तृत, प्रोट्रैक्टेड मीन्स विस्तृत, लंबे लंबे इंटरव्यू हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड, जिसने परिणाम स्वरूप नियुक्त किया एन ऑफिशियल कमिश्नर, कमीशन, एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के मामले में। सिचुएशन, द कमीशन कंसिस्टेड, कमीशन में शामिल था, कंसिस्ट मीन्स शामिल होना, ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी, और गांधी एज द सोल, सोल मीन्स अकेला रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ऑफ द पेजेंट्स। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल, गांधी चंपारण में रहा इनिशियल, शुरुआती, अनइंटरप्टेड, बिना रुके, पीरियड ऑफ 7 months, 7 महीने, एंड देन अगेन, और दोबारा, फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, बीच बीच में विजिट करता था। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, ऐसे ही आ जाता था अचानक, ऑन द एंट्रिटी, एक प्रार्थना पे, ऑफ एन अनलेटर्ड, एक अनपढ़ पेजेंट की, इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद में, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ये कुछ दिन चलेगा,
ऑक्यूपाइड ले लिया ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन गांधी की लाइफ का लगभग एक साल ले लिया उन्होंने। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, इसमें ऑफिशियल इंक्वायरी शामिल थी, एक क्रशिंग, उसमें एक बिल्कुल कुचल देने वाला माउंटेन ऑफ एविडेंस, प्रूफों का एक पहाड़ था अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े जो प्लांटर्स थे उनके विरुद्ध। एंड व्हेन दे शा, जब उन्होंने देखा दिस दे अग्रीड, वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, टू मेक रिफंड्स, पैसा वापस देने के लिए टू द पेजेंट्स, पेजेंट्स को। बट हाउ मच मस्ट वी पे, कितना देना चाहिए, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट, उन्होंने सोचा ही वुड डिमांड रिपेमेंट, वह मांगेगा इन फुल ऑफ द मनी, पूरे पैसे, विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने इलीगली गैर कानूनी तरीके से एंड डिसिप्लिनली धोखे से एक्सटॉर्टेड एट लिए थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर से। ही आस्क्ड ओनली 50%, उसने 50% मांगे। दे रिसीव्ड एडमिट, वहाँ पर एडमिट हो गई, हट हो गया, बीच में मतलब दुविधा होगी एक प्रकार की, डिसीजन नहीं हो पाया। राइट रेवरेंड जे जेड होज लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी थे ये इन चंपारण, चंपारण में वो ऑब्जर्व, जिन्होंने देखा द एंटायर एपिसोड, पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज, नज़दीक से, थिंकिंग, सोचकर, प्रोबेबली, शायद, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि इससे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। द रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि थे ऑफ द प्लांटर्स, प्लांटर्स के ऊपर, टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, वे बोले हम तो 25% देंगे जी वापस। एंड टू हिज अमेजमेंट, उसके आश्चर्य के लिए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी ने उनके वर्ड पकड़ लिए, दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और ये डेड लॉक है जो असमंजस है, दुविधा है, जो समाप्त हो गई। गांधी ने कहा ठीक है 25% दे दो। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड, इस सेटलमेंट को अपनाया गया यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से, बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने बताया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड, जो मात्रा है पैसे की वापसी की, वॉज लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट, इस सच्चाई से, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओबलाइज्ड, वे विवश हो गए टू सरेंडर, देने के लिए पार्ट ऑफ द मनी, पैसे ही नहीं दिए, एंड विद इट इज के साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिज, उनकी प्रेस्टिज इज्जत भी गई। देयर फॉर, इसलिए, एज फॉर एज द पेजेंट्स वर, जहाँ तक पेजेंट्स का संबंध था, कंसर्न संबंध था, द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स थे, हैड बिहेव्ड, वे व्यवहार करते थे एज लॉर्ड अबो, जैसे वे लॉर्ड हैं और उससे भी अबो हैं, द लॉ, कानून से ऊपर है वे। नव द पेजेंट साहब, मजदूरों ने देखा दैट ही हैड राइट्स, उनके भी अधिकार थे, एंड डिपेंडर्स, और उनके डिपेंडर्स थे, बचाने वाले थे। ही लर्न करेज, और उसने साहस सीखा। इवेंट जस्टिफाइड, ये इवेंट्स जस्टिफाई करती है गांधी की पोजिशन, गांधी की स्थिति, विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर, एट द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन, ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उन्होंने त्याग दिया, देयर एस्टेट्स, अपनी एस्टेट्स, विच रेवर्टेड, जो चेंज हो गई टू द पेजेंट, किसानों के पास चली गई, मजदूरों के। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो की जो फसल थी वो गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड, गांधी ने कभी भी मुकाबला नहीं किया हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन का। ही साहब ने देखा था कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन, इन द चंपारण विलेज, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और वो इसके बाद बारे में कुछ करना चाहते थे इमीडिएटली, तुरंत। ही अपील्ड, उसने अपील की फॉर टीचर्स, टीचर्स से, महादेव देसाई से, एंड हरि पारिख से, टू यंग मैन थे हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी, उन्होंने गांधी को ज्वाइन किया था एज डिसाइपल्स, वे उसके शिष्य बने थे, एंड देयर वाइफ, जो उनकी पत्नी अभी वॉलंटियर्ड अपनी इच्छा से फॉर द वर्क, इस काम के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से आगे, पुणे से आगे, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूर भूमियों से आगे। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन भी आ गया, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से, एंड सो डिड मिसिज गांधी, ऐसे ही मिसिज गांधी हो गई। प्राइमरी स्कूल्स फॉर ओपन, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए इन सिक्स विलेज, छः गाँव में। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबाई ने आश्रम के रूल्स को सिखाया, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, पर्सनल सफाई के, एंड कम्युनिटी, सामुदायिक सैनिटेशन, स्वास्थ्य के। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ की हेल्थ कंडीशंस दुखदायी थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर, उसने एक स्वयं से भी डॉक्टर ले लिया, हिज सर्विस फॉर 6 months, 6 महीने के लिए। 3 medicines वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, जिसकी गंदी जीभ दिखती थी, वाज गिवन ए डोज, उसे एक दवा दी जाती थी कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया फीवर होता था, रिसीव्ड कुनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, जिसको स्किन के फोड़े हो जाते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। गांधी नोटिस्ड, गांधी ने ध्यान दिया था फिल्दी, गंदी, फिल्दी मीन्स गंदी स्टेट, अवस्था ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, औरतों के कपड़ों की,
ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उसने कस्तूरबाई से कहा टू टॉक टू देम, उनसे बात कर ले अबाउट इट। वन वुमेन टुक, एक औरत ले गई कस्तूरबाई को इन टू हर हट अपनी झोपड़ी में, एंड सेड और कहा लुक देर इज नो बॉक्स, देख यहाँ कोई बॉक्स नहीं है और कपबोर्ड भी नहीं है। हियर फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए द साड़ी, जो साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, उसके लंबे स्टे के दौरान चंपारण में, गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, दूर से नजर रखी ऑन द आश्रम, आश्रम पे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, उसने लगातार इंस्ट्रक्शंस भेजी मेल से बाय मेल, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स का हिसाब लिया। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार निवासियों को लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल, कि ये समय था भरने का। इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेज, पुराने लेटरिन के ट्रेंचेज गड्ढे, एंड डिग न्यू वन, और नए खोदने का, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, वरना उनमें बुरी बदबू आएगी खराब। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट था इन गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन, उसने बताया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक सामान्य चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा की दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, ब्रिटिश मुझे हुक्म नहीं दे सकते थे, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे कंट्री में, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, चंपारण नहीं शुरू हुआ एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, एक ललकारने का एक काम। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटैम्प्ट, ये एक अटैम्प्ट था टू एलिवेट, कम करने के लिए, द डिस्ट्रेस, निराशा या खिन्नता ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, बड़ी संख्या में गरीब पेजेंट्स की। दिस वॉज द टिपिकल गांधी, ये विशिष्ट गांधी पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंड, उसकी पॉलिटिक्स थी जो आपस में गुथी हुई थी विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ, ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी, ये एक वफादारी नहीं थी टू एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके भाव के लिए, बड़ाई के लिए। इट वॉज ए लॉयल्टी, ऑफ वफादारी थी टू लिविंग ह्यूमन बींग, जीवों के लिए। इन एवरी थिंग गांधी डिड, गांधी ने जो किया, मोर ओवर इट राइट टू मोल्ड, उसने ढालने की कोशिश की, मोल्ड मीन्स डालना, ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन, जो खड़ा हो सके हिज ओन फीट, अपने पाँव पे, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार इंडिया को उसने आज़ाद कराया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीज एंड रूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, अंग्रेज शांतिवादी, पेसिफिस्ट माने शांतिवादी, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर, जो गांधी का फॉलोवर बन गया था, ऑफ द महात्मा, केम टू बिड, कहने आया गांधी फेयरवेल, अलविदा, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर, एक टूर पर जाने से पहले, ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का, टू द फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड पे। गांधी लॉयर फ्रेंड, गांधी के लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार होगा फॉर एंड्रूज, एंड्रूज के लिए, टू स्टे इन चंपारण, चंपारण में रुके, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करे। एंड्रूज वाज विलिंग, एंड्रूज चाह रहा था, इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी सहमत होते, बट गांधी वाज वेमेंटली, यानी गांधी ने उग्र रूप से अपोज्ड, विरोध किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, इस असमानता की लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये मददगार होगा, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन, यदि हमारी तरफ एक अंग्रेज हो, ऑन अवर साइड, हमारी तरफ, दिस शोज, ये दिखाता है द वीकनेस, कमजोरी ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय की, द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई, तुम्हें भरोसा रखना चाहिए अपॉन योर सेल्फ सेम टू विन द बैटल, लड़ाई जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक, तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए ए प्रोप, एक सहारा इन मिस्टर एंड्रूज, मिस्टर एंड्रूज में, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज है। ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, उसने हमारे दिमागों को अच्छी तरह पढ़ लिया था, राजेंद्र प्रसाद कॉमेंट्स वेब टिप्पणी करते, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे, गांधी ने इस प्रकार टोटस, हमें सिखाया लेसन, एक सबक इन सेल्फ रिलायंस, आत्म भरोसे का, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड हेल्प टू शेयर ग्रुपर्स वर ऑल बाउंड टूगेदर, सारी चीज़ें एक साथ बंधी हुई थी। स्टूडेंट, नाउ आई हैव टोल्ड यू दिस चैप्टर, आई होप यू हैव स्टडीड इट वेल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट एंड आस्क एनीथिंग, इफ यू डोंट नो प्लीज वॉच दिस वीडियो टाइम एंड अगेन, एंड इफ यू फाइंड इट इज वेरी गुड यू कैन कॉमेंट एंड लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू सब्सक्राइब इट, थैंक यू।